नमस्कार मित्रों, समाज सेवा में अपने आप को पूरी तरह से न्योछावर कर देने वाले कालू भाई से फिर से दोबारा मिलने का सुअवसर आज मुझे प्राप्त हुआ है। वेलकम कालू भाई जांबूचा, आपका कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश बुक्स और स्टेशनरी के ओनर है और यहाँ तक मैंने सुना है कि आज इस इंडस्ट्री में बहुत सारे व्यापारी हैं जिनका घर, जिनके घर का चूल्हा आप ही से चलता है। और मुझे इस बारे में जानना है कि क्या घटना ऐसी हुई थी कि जिसकी वजह से लोग ये बोल रहे हैं। हमारी वजह से नहीं चलता है, मगर हमारी जो मेहनत है ना, हमारी पूरी टीम की, इस वजह से सबका चूल्हा जलता है। और हमारे जो ओनर है नवनीत पब्लिकेशन के राजू भाई गाला है और सब पब्लिकेशन के मालिक है। तो पहले क्या था, रूल्स सब स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट होता था, तो इस हिसाब से बाहर के व्यापारी को बहुत दिक्कतें होती थी, नुकसान होता था। तो उस हिसाब से समझो उसका घर भी चलाना मुश्किल हो जाता था। हर साल में 10-15 बुक सेलर बंद करने लगे थे, तो उस हिसाब से हमने सोचा कि आज स्कूल का बिजनेस है तो वो शिक्षण देने में ही ध्यान रखे तो उसका भी फायदा रहेगा और हमारा भी फायदा रहेगा। उस रूल्स के हिसाब से यहाँ के शिक्षण मंत्री है, उसको हमने रजूआत की कि स्कूल कंपाउंड में कभी भी ना हो ऐसा कुछ करे, तो उसने परिपत्र जारी किया गुजरात सरकार ने कि कोई भी स्कूल कंपाउंड में, गुजरात के स्कूल कंपाउंड में कोई भी स्टेशनरी चीज़ या बूट मोजा कोई भी चीज़ बिकी नहीं जाएगी। तो उस हिसाब से पूरे गुजरात में सब व्यापारी के वहाँ से मिलेगी, तो उसके हिसाब से हजारों लोगों का बिजनेस बढ़ा है और उसका घर चलने लगा है और कोई बुक सेलर बंद नहीं कर रहे हैं। उसका यही कारण है कि आज स्कूल सरकार और ये मालिकों ने सहकार दिया सबको और ये कोरोना के बाद सबका धंधा 2 साल से बंद पड़ा था, उसका मार पड़ रहा था, तो उस हिसाब से सबको अभी अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे करके अभी सब कोई भी एक भी बुक सेलर बंद नहीं कर रहे और वो आराम से अपनी फैमिली के साथ जी रहा है। वाओ, फैंटास्टिक। एनीवेज, एक तो ये शिक्षा से जुड़ा हुआ काम है, बहुत पुण्य का काम है, साथ में एज अ बिजनेस ऑल्सो आप इतने लोगों को इतनी प्रिविलेज दे रहे हैं। एक तो आइडिया को सलाम है कि हर एक सेलर को, हर एक छोटे व्यापारी को इससे बिजनेस मिले, क्योंकि ये मुझे भी पता है कि जब स्कूल्स कंपाउंड से चीज़ें बेची जाती है, जैसे बुक्स हो गए, यूनिफॉर्म हो गए, शूज़, सॉक्स, यहाँ तक के हर चीज़, उसमें स्कूल का ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता था और उनसे टाई अप हुए सिर्फ वही और वही सेलर का फ़ायदा होता था, लेकिन इससे हर सेलर को वाइड एक ओपनिंग मिलती है, क्योंकि जो भी जिस एरिया में रहेगा वो एरिया के लोगों का फ़ायदा होगा शायद। इसमें क्या था, पहले मैं भी स्कूल के साथ टाइप करके बिजनेस चलाता था, सब स्कूल में मेरा भी माल जाता था, शायद 2-3 करोड़ का मेरा माल जाता था, सब स्टेशनरी चीज़ें। तभी व्यापारी लोग मेरे पास आए कि आप तो अपना गुजारा कर लेंगे पर हमको बहुत दिक्कतें हो रही है, तो कुछ ऐसा करिए कि स्कूल में ना हो कुछ। तो उस हिसाब से मैंने सोचा तो मेरा अपना खुद का भी बिजनेस समझो 1-1.5 करोड़ का कम हो गया, फिर भी मैंने सोचा कि छोटे छोटे लोगों को अच्छा हो रहा है कि आज 25-50 व्यापारी बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने ये निर्णय लिया कि सबका फायदा हो, ये व्यापारी छोटे लोग इसीलिए अभी याद करते हैं कि कालू भाई आपने अच्छा किया। बाकी इतने सालों में हमारी टीम ने जो किया है भावनगर की, वो किसी ने नहीं किया। बोलते हैं न कि यहाँ भावनगर के राजा है कृष्ण कुमार सिंह जी, तो ये भावनगर नाम भी पड़ा है, तो भावनगर भावसी राजा के रजवाड़ा भी उसने पहले दे दिया था। उस हिसाब से यहाँ जो भी कुछ भावनगर में बनता है ने, तो राजकीय हो, सामाजिक हो, कुछ अच्छा हो,
तो ये भावनगर से ही स्टार्ट होता है, तो उसका भी हमको गौरव है। तो आपका जो समाज के प्रति जो डिटर्मिनेशन है, जो समाज को एक गिविंग बैक टू सोसाइटी है, वो वापस कहीं ना कहीं वो व्यापारी होने के बावजूद भी आ ही जाता है। हाँ, वो क्या है, माइंड में ऐसा चलता है ना, किसी का बुरा नहीं कर सकते, हमारा बुरा हो तो चलेगा, मगर सामने वाला कोई ऐसा बोले कि हमारा बुरा करते हो तो वो हम नहीं सुन सकते। ग्रेट ग्रेट इनिशिएटिव। आज फिल्म जगत शायद मोबाइल में सिमट के रह गया है, 70 mm के पर्दे पे तो बहुत गिनी चुनी फिल्में ही आती है। इस टाइम पे मोबाइल और OTT का बोलबाला है, और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कालू भाई जांबूचा का खुद का अपना OTT प्लेटफॉर्म है, रेड प्राइम एंटरटेनमेंट। तो ये OTT प्लेटफॉर्म बनाने के पीछे आपका क्या मोटिव है, और इसके बारे में मुझे और बताइए। जब हमने OTT प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था तो समझो लॉकडाउन का टाइम था, तो सब लोग घर पे बैठे थे, तो कलाकारों को भी दिक्कतें हो रही थी, तो उस हिसाब से हमने स्टार्ट किया, तो सबको 2 साल तक बिजनेस सबको मिल गया, और नए नए चेहरे हैं, उसको आज कुछ हुनर करने का मौका मिल गया। तो उस हिसाब से मौका मिलने के लिए उसका हुनर बढ़ेगा, तो उस हिसाब से हमने ये काम स्टार्ट किया था, और उसका एक हिस्सा भी है, ये जो उसका इनकम होता है तो उसको भी हम देते हैं, और एक हिस्सा है तो हम कुछ सेवा में भी डालते हैं। वाह, मतलब वापस समाज सेवा यहाँ पे भी दिखने को मिली, लेकिन यहाँ पे फ़ायदा व्यूअर्स का भी हो गया, क्योंकि बहुत पुराने जो कॉन्सेप्ट है, लव स्टोरी हो गया, लव ट्रायंगल हो गया, उससे कुछ नए आइडियाज़ लोगों को OTT के प्लेटफॉर्म से मिलते हैं, बहुत नई कहानियाँ, नए आइडियाज़, नया टैलेंट भी देखने को मिलता है, और शायद इसी की वजह से एक अच्छी इनकम भी जनरेट होती है, और इसका भी एक बड़ा हिस्सा आप वापस समाज को देते हैं, और लोगों की हौसला अफजाई करते हैं, उनको टैलेंट शो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं। आई थिंक everyone is in win-win सिचुएशन, हर एक का फ़ायदा है। आपके कुछ और प्रोजेक्ट्स, जल्दी आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स, आप सिर्फ वेब सीरीज बनाते हैं, कौन से तरीके के प्रोग्राम आप अपने OTT पे चलाते हैं? आज हम सब शॉर्ट फिल्मों ही बनाते हैं, तो एक उसका एक हिस्सा आता है, एक भाग आता है, ऐसे 5 भाग निकाल के करते हैं। अभी हमारी पुलिस करके वेब सीरीज आने वाली है, और दूसरी एक दो है, बीबी बेचनी है नाम ऐसा है, मगर बहुत अच्छा है दोनों, अभी वो शॉर्ट टाइम में आ रही है हमारी। बिल्कुल, नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है, तो व्यूअर्स ज़रूर इसको देखना पसंद करेंगे, एंड होपफुली आप इस इंडस्ट्री में भी बहुत अपना नाम कमाएं, क्योंकि आप एक बहुत बड़े समाज सेवी है, और जब आपका नाम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा है तो वहाँ पे भी आपका मोटिव सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा है। शायद ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट जो मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में होते हुए। और जो सबसे बढ़िया बात है, रेड प्राइम एंटरटेनमेंट जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, वो सिर्फ ना एंड्रॉयड पे होके iOS पे भी उपलब्ध है, उसके एप्लीकेशन उपलब्ध है, और अलग अलग लैंग्वेजेस में भी इस पे बहुत सारे शॉर्ट मूवीज़ अभी अवेलेबल है, तो आप ज़रूर इसे देखिएगा। और जांबू जी, आपका इतना अब हमको समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी थैंक यू सो मच यहाँ हमको बुलाने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।